साहित्य में कवियों ने शरद ऋतु का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किया है। इन्हीं में एक कवि हैं त्रिलोचन, जो आधुनिक हिंदी के वरिष्ठतम कवियों में से एक हैं। सादगी उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। त्रिलोचन जी मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मुक्तिबोध सृजन पीठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनको उनके कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आज मैं त्रिलोचन जी की एक कविता का पाठ कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के रम्य वर्णन के साथ साथ मानवीय जीवन की अनुभूतियों का भी सशक्त चित्रण किया है। यह वर्णन गंगा के किनारों पर फैली शरदकालीन चांदनी को तो व्यक्त करता ही है, इसमें प्रकृति के बदलते सूक्ष्म प्रभावों का चित्रण दिन और रात के अनुरूप किया गया है। आइए सुनते हैं त्रिलोचन जी की कविता का प्रथम पद्यांश। कविता का शीर्षक है चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है। चल रही हवा धीरे धीरे सीरी सीरी, उड़ रहे गगन में झीने झीने कजरारे चंचल बादल, छिपते दिपते जब तब तारे उज्जवल झलमल, चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है। इस पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। कवि कहते हैं कि ठंडी ठंडी वायु मंद मंद गति से बह रही है, आकाश में कजरारे बादल अर्थात काजल के से रंग वाले बादल अत्यंत चंचल गति से उड़ रहे हैं। बादलों के बीच जब तब छिपते और चमकते हुए तारे स्वच्छ और झिलमिलाते प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार के परिवेश में चांदनी चमक रही है, चमत्कार उत्पन्न कर रही है और गंगा नदी अपनी गति से बहती जा रही है। अब हम आते हैं कविता के द्वितीय पद्यांश पर। ऋतु शरद और नवमी तिथि है कितनी कितनी मधुर रात, मन में बस जाती शीतलता है, अभी नहीं जाड़ा कोई, बस जरा जरा रोए कांपे तन मन में भर आया उछाह। हाँ दिन भी आज अजीब रहा, रिमझिम रिमझिम पानी बरसा, फिर खुला गगन हो गई धूप, दिन भर ऐसा ही रहा तार, कब सीले ऊदे लाल और पीले मटमैले दल के दल आए बादल, अब रात न उतना रंग रहा काला हल्का या गहरा या धुएं सा, कुछ उजला उजला, किसके अतृप्त दृग देखेंगे चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है। पद्यांश की व्याख्या की बात की जाए तो बहुत सरल भाषा में कविता है। इसमें शरद ऋतु की नवमी तिथि का वर्णन किया गया है। ये सुहावनी ऋतु मन में उत्साह भर देती है। कपसीले अर्थात कपास जैसे, ऊदे अर्थात बैंगनी रंग के, लाल पीले और मटमैले रंगों के बादल उड़ रहे हैं। दिन ढलने पर रात में अंधकार के कारण अब बादल गहरे काले हल्के काले धुएं के रंग से प्रतीत हो रहे हैं। किसके नेत्र इस तरह के दृश्य देखने को उतावले और प्यासे नहीं होंगे। आकाश में चांदनी चमक रही है और गंगा नदी बहती हुई चली जा रही है। आइए अब हम पद्यांश तृतीय पर आते हैं। कुछ सुनती हो कुछ गुनती हो ये पवन आज यूं बार बार खींचता तुम्हारा आंचल है, जैसे जब तक छोटा देवर तुमसे हट करता है, जैसे तुम चलो जिधर वे हरे खेत हैं याद तुम्हें, मैंने जोता तुमने बोया धीरे धीरे अंकुर आए फिर और बढ़े, हमने तुमने मिलकर सींचा फैली मनमोहन हरियाली, धरती माता का रूप सजा उन परम सलोने पौधों को, हम दोनों ने मिल बड़ा किया, जिनको नहलाते हैं बादल जिनको बहलाती है बयार,
वे हरे खेत कैसे होंगे, कैसा होगा इस समय ढंग, होंगे सचेत या सोए से वे हरे खेत। चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। तृतीय पद्यांश में कवि अपनी पत्नी को कहते हैं, सुनो आज बहती हुई पवन तुम्हारे आंचल को बार बार उसी प्रकार खींच रही है जैसे कभी कभी तुम्हारा छोटा देवर तुम्हारे आंचल को पकड़कर अपनी बात मनवाने की जिद पकड़े रहता है। तुम जिधर भी चल देती हो उधर ही हरे भरे खेत लहलहाने लगते हैं। मैंने खेतों की जुताई की, तुमने उसमें दाने बोए, धीरे धीरे उसमें अंकुर आने लगे। हम दोनों ने मिलकर उन्हें पानी दिया और मनमोहक हरियाली चारों ओर फैल गई। ऐसा लगा जैसे धरती माँ निखर गई हो। बादल बारिश करके उन पौधों को नहलाते हैं और धीमी धीमी हवा उन्हें बहलाती है। वो हरे भरे खेत अब कैसे होंगे पता नहीं, इस समय जाग रहे होंगे या सोए से होंगे। शरद ऋतु की चांदनी चमक रही है और गंगा अपनी गति से बहती जा रही है। मुझे आशा है कि श्रोताओं को यह कविता पसंद आई होगी। इस कविता में कवि त्रिलोचन जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कविता में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। प्रेम और वात्सल्य की अनुभूति का यह चित्रण कवि की सूक्ष्म काव्य दृष्टि से परिचित कराता है। कविता पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।